हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत गर्म है, कल परसों से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये जैकेट भी मैंने डाला हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे में भी उलझन सी हो रही है। मन नहीं कर रहा पहनने का, बट फिर भी ये है कि एकदम से अभी स्वेटर अगर पहनना बंद कर दे, एक तो ये हो जाएगा कि नहीं बेटी हो वो हो जाएगी कि मम्मा नहीं पहनी है तो मैं भी नहीं पहनूंगी, तो इसलिए मजबूरी में पहनना पड़ रहा है। क्या करूँ, बच्चा है वो भी मुझे देख के फिर वही करेगी कि मैंने, और उसके हैं अभी एग्जाम्स, तो बट गर्म इतना ज़्यादा पड़ गया है कि जैकेट स्वेटर कुछ भी पहनने का मन नहीं हो रहा है। धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है कि अभी ये हाल है तो सोचिए आगे जाके मई जून में क्या होगा। तो आज जैसे ही सुबह सुबह उठी हूँ तो कुछ लोगों के आने की बात हो गई थी, तो उन लोगों के ही आने का सब रेडी वेडी करते करते इतना लेट हो गया कि मैं बहुत सवेरे ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर मुझे अब जाके टाइम मिला है तो मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। उठी, रेडी वेडी होके फटाफट घर वर साफ़ करवाया, मेड से सब ठीक ठाक करवाया और मैं निकल गई थी थोड़ा बाहर सामान वामान लेने। छुट्टी है और सैटरडे है तो हस्बैंड भी घर ही पर रहते हैं, लेकिन वो उनको जाना नहीं था तो मुझे अकेले ही अपने जाके सामान वामान लेने आना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे भी थे जो आने वाले थे तो मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ, क्योंकि बच्चे घर का कुछ भी पसंद नहीं करते, तो मैंने सोचा चलो कुछ उन लोगों के लिए कुछ केक पेस्ट्री वगैरह ले आती हूँ ताकि उसी से ही थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैं जाके ले आई, मैं दिखाऊंगी आपको कि कहाँ गई थी क्या था। बहुत अच्छी एक शॉप है हमारी पे पास में है, खुली है, फर्स्ट टाइम ही मैं गई, बट बहुत अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिल गए थे मुझे, तो मैं वहीं गई और फिर आके घर में फटाफट रेडी वेडी करके खाना वाना हो चुका है, वो लोग जा चुके हैं, वीडियो बनाने नहीं दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कोई आया है तो उसके मुंह पे आप कैमरा रख दो और उनको शूट करो, वो आए हैं तो फिर उनके संग बैठना ये वो, तो वीडियो शूट अब तक नहीं बनाया है और अब मैं बनाना चालू कर रही हूँ। मैं आपको सब बता रही हूँ सुबह से लेके अब तक मैंने क्या किया, मैं कहाँ बिजी थी पहले सुबह, कल शाम से मैं सोच रही थी कि सैटरडे है छुट्टी मनाऊँगी छुट्टी मनाऊँगी, हो गई छुट्टी, काफ़ी अच्छी छुट्टी हो गई। इसलिए कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि कल छुट्टी है ऑफ है आराम करूँगी, हो गया आराम, बड़ा मुश्किल होता है। अब सोच रही हूँ कि ये सोचूं कि कल संडे है आराम करूँगी या ना सोचूं, क्योंकि एक बार सोच के देख लिया आज का नतीजा, अब तो सोचते हुए भी डर लग रहा है, बट वही है ना, कल संडे है, दिमाग में है कि कल संडे है, कल आराम से मिल जाए बस थोड़ा आराम करने को, बाकी तो भगवान पे है कि आराम कब मिलेगा। हम लेडीज़ लोगों को आराम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, आराम कैसे मिले क्या हो, बहुत मुश्किल से मिलता है। गर्म बहुत लग रहा है बट क्या करूँ, अभी जैसे शाम होगी तो थोड़ा ठंडक भी हो जाएगी, तब जैकेट बुरी नहीं लगेगी, बट अभी तो लग रही है तो लग रही है, क्या करूँ, लग रही है तो लग रही है, तो बोल रही हूँ कि लग रही है। इधर जब से कोलैबोरेशन हुआ था तब से बहुत बिजी 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 जा रहा था, कभी बाहर का कभी कुछ कभी स्कूल में इसके बिजी, तो बाकी यही एक कोलैबोरेशन के बारे में आपको बताना था। और क्या मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके याद दिलाइए कि मुझे आप लोगों को क्या बताना है। पता नहीं, मैंने रेसिपी के लिए बोला था, मैंने तो रेसिपीज इतनी डालती जा रही हूँ, इडली की डाल दी है, मिर्च की एक डाली और गाजर का हलवा, ऐसी एक एक और आती रहेंगी, जैसे जैसे फ्री रहूँगी बना पाऊँगी तो डाल दूँगी, नहीं बना पाऊँगी रेसिपीज तो उसके लिए सॉरी है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब जब होगा मुझसे पॉसिबल होगा तो ही डालूँगी, अदरवाइज़ एक बार इसके एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊँ उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पूरी मेरी पूरी फैमिली ही मेरे संग सपोर्ट करती, बट अभी तो ना बेटी मुझे सपोर्ट कर पा रही है, मुझे अकेले अकेले अब सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, और कुकिंग के वीडियो डालने के लिए मुझे एटलीस्ट एक जन की ज़रूरत पड़ती है कि जो मतलब मोबाइल पकड़ रहे कैमरा हैंडल कर ले और मैं फ्रीली होकर दोनों हाथों से कर सकूँ, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से
कुकिंग बहुत दिक्कत होती है, या तो फिर मैं उसमें वॉइस नहीं दे पाती, फिर मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, तो मैं सोचा आज आपके संग शेयर करूं। आज आधा दिन तो मेरा निकल ही गया, मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, बट व्लॉग मुझे डालना है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, तो मुझे उनके लिए एटलीस्ट इतना तो है ही है कि मैं कर सकती हूँ कि मैं एक व्लॉग भले ही छोटा डालूँ, बट हाँ डालूँगी ज़रूर। तो मैंने कोलैबोरेशन वाली बात जो अधूरी रह गई थी वो मैंने आज क्लियर कर दी है। और भी कोई बात हो तो मुझे अगर याद आएगी तो मैं ज़रूर। हाँ, एक जो स्टोरी मैंने शुरू की थी एकदम स्टार्टिंग में अपने सेकेंड या थर्ड ब्लॉग से, कि आप लोगों को कभी ऐसा, आप लोग के संग ऐसा कुछ हुआ है कि कभी किसी ने आपसे, आपको यूज़ करके आपको बिल्कुल वो निगलेक्ट कर दिया हो, आपको एकदम चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, वो वाली बात भी अभी अधूरी है। बट कभी किसी का कमेंट नहीं आया तो मैंने उसको और आगे कंटिन्यू नहीं किया। और फिर इधर मैं बिज़ी भी बहुत थी, एकदम टाइम नहीं दे पा रही थी, कैसे तैसे मैं ब्लॉगिंग कर लेती कि बाहर भी जाना, घर में भी करना, बेटी को भी देखना, अपना भी सब काम देखना, और ऊपर से घर का तो काम ही है, वो तो अपने कर्तव्य जो हैं वो उन्हें पहले ही निभाना है। अगर ये कर्तव्य भी निभाने से रह गए ना तो हो गई, फिर तो मेरे बन चुके ब्लॉग। तो अपना नारी धर्म, अपने गृहस्थी के वो क्या बोलते कर्तव्य, मुझे वो प्रायोरिटीज़ हैं कि आपको सुबह ये बनाना है, खाना बनाना है, ये बनाना है, तो जब तक उन सब कामों से नहीं फुर्सत मिलती मैं कैसे क्या करूँ। और अभी थोड़ा बहुत घर का हेलो दोस्तों, मैं उठ गई हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मैं बनाऊंगी सिर्फ अपनी चाय क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया कि वो लोग पियेंगे कॉफ़ी, तो उनकी बन रही है कॉफ़ी, तो इन दोनों को बना के दे दूँ कॉफ़ी, फिर अपने लिए तो बनाऊंगी मैं चाय डेफिनेटली, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी मैंने गर्म कर लिया है, अब इसमें डाल दूंगी एक टी बैग, गुड़ पाउडर, थोड़ी देर उसे ऐसे भीगे रहने दूंगी। दूध, ये फैट फ्री दूध होता है, इसमें कोई फैट नहीं होता, इसीलिए मैं यही वाला यूज करती हूँ। बस बन के रेडी हो गई मेरी चाय, एक बार और गर्म की लगती है, मुझे गर्म गर्म अच्छी लगती है, ये सब बनाने बनाने में तब तक ठंडी हो जाती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने चाय वाय पीने के बाद लग गई थी अपने काम पे, कुछ कॉल्स आ गई थी, उसमें बहुत टाइम चला गया बात करते करते। खाना वाना बना लिया, खा लिया, सबको खिला भी दिया, मेरा भी हो गया, मैं जल्दी खाती हूँ, मैंने 8 बजे तक खाना खा लिया था। इन लोगों को भी खिला के किचन एकदम कर दिया है साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, और बज चुके हैं 9:30। अब मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द ये ब्लॉग एडिट होके सब कुछ होके मैं इसको अपलोड कर दूँ आज की याद, बट अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो कल सुबह जाएगा, बट पूरा 100% मेरी कोशिश रहेगी मैं आज ही अभी डाल दूँ, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ, बस मेरी ग्रीन टी हाँ लगी हुई है, बस ग्रीन टी अपनी लूँ पीती हूँ, फिर मैं फ्री ही फ्री हूँ, फिर मैं बैठूँगी अपना काम लेके। ओह गॉड, ये बहुत गर्म हो गई। ग्रीन टी मेरी बन गई है, थोड़ी देर उसको अभी ढक के रखनी है, उसे ढक देते हैं, और
हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं व्लॉग ट्राई करूँगी कि मैं आज ही अभी डाल दूँ तो आप लोग तक पहुँच जाए, तो आप लोग देख लो। ऐसे भी आप लोग पता नहीं इंटरेस्ट लेते भी हो या नहीं लेते हो, मैं बस बना रही हूँ, मैं डाल रही हूँ। मेरा काम है डाल व्लॉग बनाना और अपलोड करना, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है मुझे कैसे पता चलेगा, ना कोई मैसेज करता है ना कुछ करता है, लेकिन मैं हूँ भी पागल हूँ, मैं भी डालती ही रहूँगी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये आपके, मेरा काम है वीडियो बनाना अपलोड करना, मैं अपना काम करती रहूँगी और आपका जो काम है आपको करिए। देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, इंटरेस्टिंग है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी मन होता है कभी नहीं होता, काम है, काम है, वो भी ज़रूरी है, उसे छोड़ के तो वीडियो में नहीं बैठ सकती। और हाँ, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं और जो मेरा व्लॉग का वेट करे, तो मैं काम छोड़ के मैं व्लॉग बना दूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं, एक कमेंट तक तो करने का आप लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे पास तो फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, बात करती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोगों के पास तो कुछ नहीं, बस वीडियो आया उसको स्क्रॉल किया आगे बढ़ाया हो गया। किसी ने कितनी मेहनत से कितना टाइम निकाल के काम किया है, एडिट करती हूँ घंटों बैठ के, क्योंकि सब कुछ ऊपर से सीख के तो नहीं आता ना इंसान, तो सब कुछ हर चीज़ में टाइम लगता है, हर कुछ सीखा है, करती जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट नहीं, लोगों को है कि आया ओहो ये ऊपर किया स्क्रॉल किया, दूसरा देखा तीसरा देखा, जो एक लाइक, एक सिर्फ एक लाइक पे बट। तो चलिए आज इसी चर्चा पे एंड करते हैं आज का व्लॉग, और कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, और टेक केयर, गुड नाइट।